सियासत में खटमल मच्छर, नेताओं में जुबानी टक्कर। खटमल हो या मच्छर हो, जब कभी आपका सामना इनसे हो जाता है तो ये आपके लिए बड़ी परेशानी बन जाते हैं। देखते ही देखते परेशानियों का अंबार खड़ा हो जाता है। और अब राजनीति में, यानी कि मध्य प्रदेश की सियासत में खटमल और मच्छर की एंट्री हो गई है और इस पर हो रही है नेताओं के बीच जुबानी टक्कर। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, लेकिन वहां तख्ता पलट के बाद जिस तरह के हालात हुए उसे लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने विवादित बयान दिए थे, जिस पर घमासान अभी तक देखने को मिल रहा है। पलटवार किया गया है कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ओर से। कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसे नेताओं को बता दिया है खटमल और मच्छर। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? खटमल मच्छर को अगर खोलेगा पता नहीं। बांग्लादेश की आग, कांग्रेस का हिंसा राग। तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। सियासत में खटमल मच्छर, नेताओं में जुबानी टक्कर। बोले भारत माता की, क्या बात है। अब बताइए, इतनी बुलंद आवाज है और खटमल मच्छर ये बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। अरे भैया, ये शेर लोग हैं और ये शेरनियाँ बैठी हुई है। ये शेरों का देश थे और शेरनियों का देश। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल मच्छर को अकल कौन देगा पता नहीं। कांग्रेस नेता का बयान, मध्य प्रदेश में घमासान। खटमल और मच्छर की बात कर रहे हैं तो वो ये स्पष्ट करें, वो किसको खटमल और मच्छर, जो बंदूक सज्जन भैया के कंधे पर रखकर चला रहे हैं, वो किसको खटमल और मच्छर बता रहे हैं। बांग्लादेश की आग अब भारत तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेताओं के बयानों पर घमासान मचा हुआ है। अब इसमें खटमल और मच्छरों की एंट्री हो गई है। आज इसी पर मध्य प्रदेश की महाडिबेट। तो खटमल और मच्छर वाली सियासत पर महाडिबेट आज करेंगे, लेकिन पहले महाडिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, उन सवालों को आइए देख लेते हैं कि महाडिबेट आज किन सवालों के इर्द गिर्द रहने जा रही है। पहला सवाल रहेगा खटमल मच्छर, कहना क्या चाह रहे थे कैलाश विजयवर्गीय, किसकी जरा इशारा था। अगला सवाल रहेगा कि बांग्लादेश में बवाल होता है तो देश पर सवाल क्यों उठाते हैं, कौन है वो लोग जो देश पर सवाल उठाने लगते हैं। तीसरा सवाल रहेगा तनाव पैदा करना, जिस तरह के हालात बांग्लादेश में पैदा हुए उस तरह का तनाव पैदा करना क्या कांग्रेस का मकसद है, जो कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, सीजन पॉलिटिशियंस इस तरह के बयान देते हैं। इसी पर करेंगे आज महाडिबेट। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय धवले साहब, जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस की प्रवक्ता है रोशनी यादव जी, रोशनी जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार है दिनेश निगम त्यागी जी, त्यागी सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट बालकृष्ण शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शर्मा जी आपका भी स्वागत है। पहला सवाल रोशनी यादव जी, बांग्लादेश में जो हुआ, क्यों कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चाहा कि वो वैसे ही हालात भारत के अंदर भी हो जाए? और दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय ने आज दे दिया है जवाब कि खटमल मच्छर हैं, कहते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपर्णा जी नमस्कार और मेरे सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी का तो अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की है, और जहां आज वो खटमल या मच्छर किसको कह रहे हैं वो सीधा इशारा हम लोग सभी जान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके विचार हैं, लेकिन उनके जो इस तरह के बार बार जो विचार निकल के आते हैं, पूर्व में भी अगर आप इनके बयान देखेंगे तो
तो हनुमान जयंती के एक समारोह में जाते हैं जहां वो लड़कियों पर बयानबाजी करते हैं कि लड़कियां किस तरीके से कपड़ा पहन के निकलती हैं, उनको उनमें देवियों का रूप दिखता है लेकिन मुझे वो सूफनखा नजर आती हैं। तो इस तरीके के जो बयान इनके नजर आते हैं बार बार, और आपने देखा होगा कि एक जो है एक बयान इनका, जब मीडिया इनसे कुछ सवाल कर रही थी, उन्होंने कहा कि लालू यादव बड़के भैया हो गए हैं, तो उन्होंने एक जिक्र किया कि मैं विदेश में था, तो जब वहां पे चर्चा हुई कि बिहार की सरकार बदली जा रही है, तो उन्होंने कहा जब मैं विदेश में था तो एक व्यक्ति ने कहा कि जिस तरीके से लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती हैं, तो ये आप देखिए कि किस तरीके के शर्मनाक बयान लगातार कैलाश विजयवर्गीय जी देते हैं। उनके बयानों को आप शर्मनाक बता रहे हैं, आपके नेताओं ने जो बयान दिया है उसे आप क्या कहेंगे रोशनी जी? मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करूंगी कि देखिए एक बार आकाश विजयवर्गीय उनके बेटे ने भी जब निगम के एक जो है, रोशनी जी आज की बात करते हैं ना, मैं बिल्कुल आज की बात पे आ रही हूँ। देखिए आज जो सज्जन जी ने बयान दिया है ये उनके बिल्कुल निजी भाव थे, लेकिन अगर भारत देश में अगर हम एक स्थिति देखते हैं तो वाकई भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने की बात कही। ठीक है, बस इसी पॉइंट पर आ रही थी, आऊंगी आपके पास वापस। अजय जी आपसे इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले बालकृष्ण शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। खटमल मच्छर, सियासत के ये खटमल मच्छर किसके लिए परेशानी है? कांग्रेस पार्टी के लिए ही, बीजेपी के लिए, या फिर जनता के लिए, आम जनमानस के लिए? ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां कहने से पहले कुछ सोच विचार नहीं करती। और जहां तक सवाल है कि खटमल मच्छर का कहने का, तो इससे पहले जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने, जो सलमान खुर्शीद जी के बाद में फिर मणिशंकर अय्यर जी ने, दोनों ने जिस तरह से तुलना बांग्लादेश के घटनाक्रम की भारत में होने की जताई है कि इस तरह की भारत में भी घटना हो सकती है, तो पहले उनको भी इन चीजों पर विचार करना चाहिए। देश के खिलाफ या देश से संबंधित किसी भी मामलों को पे कुछ बोलने से पहले सभी को विचार करना चाहिए। जी ठीक है, धवले जी अब आपका रिएक्शन रोशनी जी की बात पर। देखिए अपर्णा जी, जैसा कि इस पूरे डिबेट के पहले मैं आशंका व्यक्त कर रहा था और मुझे लगा भी था कि कांग्रेस इस पूरे डिबेट को किस ओर लेके जाएगी, आज जब राष्ट्र का सवाल था और रोशनी जी उस विचारधारा के साथ में अभी तक के थी, ये विधानसभा चुनाव के साथ में ये विचारधारा छोड़ के वो कांग्रेस की जो परिवार समर्पित विचारधारा उसमें गई है। जब भारत को बांग्लादेश के साथ में भारत की तुलना कर रहे हैं, आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए आप कह रहे हैं कि इस प्रकार की आशंका व्यक्त कर रहे कि भारत में भी इस प्रकार से लोग रस्तों पे सड़कों पे उतरे, और जब आप राजनीति के माध्यम से देश में रहते हैं, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा आपका उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन आप अराजकता के माध्यम से देश के सत्ता तंत्र को हथियाने का जो प्रयास है कांग्रेस के नेता वही अपने बयानों से स्पष्ट कर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा हो, मणिशंकर अय्यर हो, या सलमान खुर्शीद हो, आप इनकी भाषा देख लीजिए और ये भाषा कहां से डिराई हुई है। ये वेस्टर्नाइज जो कांग्रेस है, जॉर्ज सोरोस जी का ये जो मैकेनिज्म कांग्रेस को आजकल मिल रहा है, जो जहां से इनकी नीतियां बन रही है, वो यही कह रहे कि अगर आप लोकतंत्र में चुनाव नहीं जीत सकते तो लोकतंत्र को अस्थिर करने का प्रयास कीजिए। और अस्थिरता ऐसे कि भारत के परिपेक्ष में आप उदाहरण दे रहे हो कि बांग्लादेश में ऐसा हुआ है कि वहां की प्रधानमंत्री की नीतियां वहां के लोगों को पसंद नहीं आई तो सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री आवास को पे कब्जा कर लिया। क्या आप भारत को अस्थिर करने में विश्वास रखती हैं? कांग्रेस के किसी भी नेतृत्व ने या नेता ने आज तक के इस स्टेटमेंट को कंडेम नहीं किया। अपर्णा जी आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। रही बात कांग्रेस की, हमारी साथी प्रवक्ता रोशनी जी जो विषय उठा रही है कि इस प्रकार के बयान कैलाश जी देते रहते हैं, मुझे लगता है कैलाश जी का राजनीतिक जीवन आप हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते, उनका अपना विस्तृत राजनीतिक जीवन है, अपनी महत्वाकांक्षा आप हम छुपा लेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने संगठन को दिया, सरकार को दिया है, और व्यक्ति कार्यकर्ता से आज राष्ट्र का नेता है, देश का नेता है, अगर आप उन विषयों पे अगर बात कर लेके जा रही है रोशनी जी, तो मुझे लगता है आपके हमारे राजनीतिक बयानों पे भी चर्चा होगी, लेकिन देश से जुड़ा जब प्रश्न आता है तब उन देश के जुड़े प्रश्नों पर, देश की सार्वभौमिकता पर आप क्या किसी अन्य राष्ट्र से तुलना करके यहाँ डिस्टेबलाइज करना चाह रही है, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यह कब कह दिया जाता है, जब जब भारत का विषय आएगा, जब जब हमारी सार्वभौमिकता का विषय आएगा, तब आप कांग्रेस भाजपा कर लीजिए। यह राष्ट्र अनेकों बलिदानों के बाद में खड़ा हुआ है,
यहाँ की डेमोक्रेसी अनेक चुनाव के बाद में इवॉल्व हुई है। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, 90 करोड़ लोगों ने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। आप स्थिर करना चाहती हैं, आप आज स्पष्ट कर दीजिए। और अपर्णा जी, मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप इन्हें स्पष्ट कर लीजिए कि जब चुनाव हार रहे हैं तब आप क्या चुनाव हारने के बाद अराजकता के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना चाह रहे हैं? स्पष्ट करने के लिए ही चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर। दिनेश सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये लगभग 8-10 दिन पुराना या शायद उससे पहले का बयान रहा होगा सज्जन सिंह वर्मा का, मैं तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन आज जो ये पलटवार सामने आया, जो रिएक्शन दे दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने, उसने वापस से इस बहस को जिंदा कर दिया, उन सवालों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या कहें कि खामखा रेलेवेंस, खामखा ये पलटवार किया गया कि उसके बाद वापस हम बहस कर रहे हैं इसको लेकर। और एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ आपसे कि सियासत की एक खटमल मच्छर किसके लिए परेशानी है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है कि सज्जन सिंह वर्मा और कैलाश विजयवर्गीय जी दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो इनको सोच समझ के बोलना चाहिए, भाषा पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। पहले सज्जन सिंह वर्मा जी बोले, उन्होंने बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर भारत की तुलना कर दी, कांग्रेस के दूसरे कई नेताओं ने भी की थी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने जो कहा था उनका विरोध हुआ था, वो बात लगभग खत्म हो गई थी। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपने ढंग से उसका विरोध किया बिना नाम लिए, तो कैलाश विजयवर्गीय जी को भी अच्छे शब्दों का मतलब चयन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में बांग्लादेश जैसे हालात कभी नहीं बन सकते, हर कोई जानता है। बांग्लादेश अलग स्थिति है, भारत की राजनीतिक स्थिति अलग है। हाँ, बांग्लादेश में जो हुआ है वो चूंकि पड़ोसी देश है इसलिए भारत उससे छूता नहीं है। लोग अपने अपने ढंग से बांग्लादेश की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस ने कह दिया कि अपने भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती है, कुछ नेताओं ने कह दिया पीएम हाउस में भी लोग घुस सकते हैं। अगर आपको याद हो, आज एक बयान पन्ना लाल सक, जो भाजपा के विधायक हैं, वो गुना में बोले, उनका एक बयान चल रहा है कि जो है प्रधानमंत्री से टुच्चे लोग बोलते हैं, देश के अंदर राष्ट्रभक्ति घट रही है, लोग बाग कोई भगत सिंह नहीं बनाना चाहते, बेटों को इंजीनियर डॉक्टर और ये बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने भी ये कहा है कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में हो सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा पीएम हाउस में जनता घुस जाएगी, लेकिन ऐसे हालात हो सकते हैं। कुछ लोग हैं तो जो वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हुए, हिंदुओं पर जो दुर्घटनाएँ हुई उनके वीडियो वायरल कर रहे हैं, और भारत हिंदुओं पे जो दुर्घटना है उनको भारत से जोड़ के दिखा रहे हैं। तो बांग्लादेश के घर पर कुछ हो रहा, बांग्लादेश तो हमारी रहेगी उस पर, लेकिन वहां कुछ हो रहा है रहेगी, उसका डर दिखाया जी, वहां उसका, वहां कुछ हो रहा है उसका डर यहां पर दिखाया जा रहा है। नहीं, डर बिल्कुल नहीं थे, वरने मैं पहले ही कहा कि भारत के राजनीतिक हालात अलग हैं, बांग्लादेश के राजनीतिक हालात हैं, और लेकिन बांग्लादेश के राजनीतिक हालातों से तुलना यहाँ किसी भी तरह नहीं करना चाहिए, ना तो घुसने से तुलना करना चाहिए, ना इससे तुलना करनी चाहिए कि वहाँ हिंदुओं के साथ जैसा हो रहा है भारत में भी ऐसा हो सकता है। ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ऐसी बयानबाजी होना चाहिए। वहाँ शांति आए, लोकतंत्र की बहाली। जी 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 जी, डर किसी को भी किसी का नहीं दिखाया जाना चाहिए। लोकतंत्र जिंदा है भारत के अंदर अभी, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी जिंदा रहेंगी आगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट सौरभ दुबे जी भी। सौरभ जी, चर्चा एक बयान की हो रही है, बयान पर पलटवार की हो रही है। बयान दिया था कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने, कहा था कि गलत नीतियों के चलते एक दिन भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। उस पर कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार कर दिया और कह दिया कि खटमल मच्छर इस तरह की बात करते हैं, हमारा देश शेर और शेरनियों का देश है। सवाल आपसे यह कि इस तरह के बयानों की आवश्यकता क्यों पड़ती है भारतीय राजनीति में? देखिए, भारतीय राजनीति में तो इस तरह के बयानों की कोई जरूरत नहीं है, और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो है वो बयान माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो ये बयान दे रहे हैं तो अपने ही देश में देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। बहुत शर्मिंदगी जिन्होंने बयान दी उनको महसूस करनी चाहिए। आप हिंदुस्तान को शर्मिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो लाखों लोगों ने, जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, भगत सिंह और ये, उनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जिस भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था को इतने, चाहे कितनी भी पार्टियां आपस में कितना भी मतभेद हो, चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन क्या आप ये कहेंगे? लेकिन कुछ लोग कहते हैं। कौन लोग कहते हैं? जो लोग, वही लोग कहते हैं जो लगातार हिंदुओं का अपमान करते हैं, वही लोग कहते हैं जो लोग संसद में हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, वही लोग कहते हैं जो बार बार कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, ये डेंगू है। देखिए, इस तरह के बयान देने वाले जो लोग हैं वो किसी भी पार्टी में हो, अगर आप उनके पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है अगर वो उनका विरोध नहीं करेगा तो वो लगातार इस तरह के बयान देंगे। सिर्फ मध्य प्रदेश के ये नेता नहीं दिया है भैया, ये विपक्ष के कई नेताओं ने दिया है इस तरह का बयान कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। आपको बांग्लादेश
देश में रह रहे जो वहां के अल्पसंख्यक हैं मुसलमान हैं उनके प्रति तो प्यार है, चलो वो समझ में आता है, मानवता के नाते आपके पास है तो चलो ठीक है, लेकिन वहां पर जो हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वहां पर आप लोग एक ट्वीट नहीं करना चाहते, वहां पर सबके मुंह में दही जमा हुआ है, और अगर चलो ठीक है वहां भी नहीं बोल रहे तो कम से कम जो है हिंदुस्तान में मर्यादित बात को तो रखिए। आप राजनेता हैं, आप लोग जो है सोशल प्लेटफॉर्म पर होते हैं, आपको लाखों जनता जो है फॉलो करती है, देखती है टीवी चैनल के माध्यम से आपके भाषणों से, आप ये कहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश खड़ा हो सकता है, बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे तो क्या आप प्रश्न चिन्ह लोकतंत्र पे उठा रहे हैं? क्या आप हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है उन पे उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश को आजाद करा? मैं कड़ी निंदा करता हूं ऐसे बयान की, और ऐसे बयान का भारतीय राजनीति में कोई भी स्थान नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने खटमल बोला, ये बोला, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही शब्द है। ऐसे लोगों की जितनी निंदा की जाए वो उतनी ही सही होगी। तो ये कोई बड़ा बयान नहीं कि उन्होंने खटमल बोल दिया, ये बोल दिया। ऐसे लोग तो देश के, मैं तो कह रहा हूं देश के गद्दार हैं ये लोग, देशद्रोही हैं, देश दुश्मन, देश के दुश्मन हैं जो लोग कहते हैं इस प्रकार की भाषा की भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति खड़ा हो जाएगी। अरे आप भी इसी लोकतंत्र में हैं, आपकी भी सरकार रही 70 साल, आप लोग शासन में रहे, तमाम है सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इस तरह के हालात आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। रोशनी जी, ये बयान देकर पार्टी के लिए कुछ खास गोल्डन सिचुएशन नहीं क्रिएट कर दिया आपके नेताओं ने? एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपके ही ये नेता डर दिखाना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं। नीतियों के खिलाफत करना तो सही है, आप नीतियों के विरोध को लेकर मुखर हो रहे हैं, सही है, लेकिन आप फिर लोगों को डराने लग जाएं या लोगों को उकसाने लग जाएं, ये कैसी राजनीति है? देखिए अपर्णा जी, मैंने बीजेपी प्रवक्ता और सौरभ दुबे जी को सुना, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपने जो जिस तरीके से बात रखी है, मुझे लगता है ये आपको बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। लेकिन फिर भी अगर आज हम भारत की स्थिति को लेकर के बात करेंगे और जो हमारे नेताओं के द्वारा जो बयान दिए गए हैं, मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने अपनी निजी बातचीत के दौरान इस तरीके का भाव रखा है, लेकिन अगर मैं आपको पूरी की याद दिला दूं, सुना दूं, जो राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने बयान दिया, रोशनी जी आप मेरे ऊपर राजनीतिक विश्लेषक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, मैं पार्टी की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उसकी कड़ी निंदा करूंगा, लेकिन इस देश के साथ देशद्रोही होने के नाते मैं आप इन लोगों का विरोध करता हूं। सौरभ जी शांति से मेरी बात सुनिएगा, अगर गलत लगेगी तो जरूर आप बात का जवाब दीजिएगा। देश के ऊपर विरोध करूंगा, इसी देश में मणिपुर जलता है और ये पूरे भारत देश की जनता कहती है कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भाजपा सरकार व्यस्त है खून गरीब का पीने में, राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं, ये घायल देश का बेरोजगार युवा, ये जो किसान आंदोलन, जब किसान अपने दोगुनी आय का जो भारतीय जनता पार्टी वादा करती है और जब किसान आंदोलन करता है तो उनके आगे कील गाड़ दी जाती है, 700 किसान मारे जाते हैं, तब आपों की आंखें नहीं खुलती है, तब आप एक स्वर नहीं बोलते हैं। भारत का सम्मान और गौरव देने वाली बेटी जब जंतर मंतर पर बैठ के अपने स्वाभिमान की भीख मांगती है, तब आपके देश के प्रधान मौन रहते हैं, तब आप नहीं बोलते, तब आपको हिंदुओं जैसी आपको ये हिंसा नजर नहीं आती कि हमें हिंदुओं के संरक्षण में आप उन बेटियों के साथ राजनीति करती है? रोशनी जी, देश के प्रधानमंत्री पे आप सवाल उठा रही हैं, देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ट्वीट किया था उन्हीं बेटी के लिए, बेटी के साथ करें देश के प्रधानमंत्री, ये बातें जो है ना, देखिए आप पहले इस मुद्दे पे आई, आप मुद्दे से भटक रही हैं, फिर आप मणिपुर चले गए, बंगाल नहीं जाते, बंगाल लेके जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान के अंदर हो सकते हैं? क्या इस देश की नागरिक होकर के आपके बच्चे देश में रहते हैं, ये सही है? आप बताइए क्या इस देश के अंदर आपका परिवार नहीं रहता है? क्या इस देश में ऐसे हालात हो जाएंगे तो क्या ठीक है भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें मारे जाएंगे? मौका ही नहीं दे रहे आप, बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप बोल रही है 1947 में अगर ये देश आजाद हुआ है पर्णा जी, तो इस देश की आजादी की कलम को ये लिखना चाहिए, और आज ये आजाद देश रहने वाली बेटी, अब आजाद हुआ था देश, आजाद करने के लिए कितना बलिदान दिया था वो तो हम याद करते हैं। रोशनी जी की बात यहाँ पर ये उठती है, कलम में बेटी कलम और कमी में अंतर क्यों? लेकिन आप बोलते हैं मोहब्बत की जान दिला रहे हैं और यहाँ बैठ कर डर दिखा देते हैं, कैसा आपकी पार्टी का जो वरिष्ठ लोग हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, आला कमान है पार्टी का, क्या उसका इन नेताओं पर जोर नहीं है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है?
लोगों को बांध कर रखना है या लोगों को प्रणा जी जो नेता है कर रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है? भारत देश का दूसरे नंबर का नेता होता है, पहला प्रधानमंत्री होता है, और जब वो लाल किले के पास जाते हैं तो पांचवीं पंक्ति में शांत फिर लाल तो हम जी आप बजाय मुद्दे के आपने सारी बातें कर दी। आपको आकाश विजयवर्गीय याद आ गए, राहुल गांधी कौन सी लाइन में बैठे थे आपको वो याद आ गया कि वो भारत माता की जय कहने लास्ट पे बैठेंगे तो क्या ये कहेंगे आप लोग? सॉरी क्या कहा प्रणा जी? अगर आपकी पार्टी के नेता, अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चौथी या पांचवी पंक्ति में बैठेंगे तो क्या आप देश में सिविल वॉर करवा देंगे? क्या आप बयानों को जस्टिफाई करेंगे? ये कहकर कि उन्हें कहां बैठाया गया था? सिविल वॉर करवाने वाले तो कैलाश विजयवर्गीय जी हो सकते हैं, हम और ये नहीं हो सकते क्योंकि हम मोहब्बत की बात करने वाले। वही मैं कह रही हूँ कि आपके नेताओं की जुबान में बोली में इतना अंतर क्यों? राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, उस नारे का, उस स्लोगन का उन्हें फायदा मिलता है, लेकिन वही सज्जन सिंह वर्मा हो गए, सलमान खुर्शीद हो गए, मणिशंकर अय्यर हो गए, ये नेता अलग तरह के बयान देते हैं क्यों? मुझे अपर्णा जी बिल्कुल खुशी होगी आपने इस बात पे जो डिबेट रखी है, और मैंने पूर्व में कहा कि उन्होंने अपने जो सवाल थे उन्हीं का जवाब नहीं दिया। मध्यप्रदेश की डिबेट का समय इतना ही था मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और सियासत में खटमल मच्छर आ गए हैं, जुबानी टक्कर जारी है, ये टक्कर आगे भी देखने को मिलती ही रहेगी, वार होगा तो पलटवार भी होगा ही होगा। एमपी खबरें लगातार जारी है, महा डिबेट में इतना ही, मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के लगातार आप जुड़े रहिए।